बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ जुल्फकार, आप देख रहे हैं रियल कुकिंग चैनल। बनाई है जी दाल चावल की रेसिपी, इतनी प्यारी सी दाल चावल की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये ढाबा स्टाइल दाल चावल किस तरह बनते हैं और बहुत ही मजेदार बनते हैं, कारोबार करें इसका बहुत ही फायदा होगा आपको। माशाल्लाह जी, इसमें बहुत ज्यादा बचत है, थोड़े से पैसों से ये काम शुरू हो जाता है और अच्छी खासी इसकी इनकम है। दूसरों का काम करने की बजाय अपना खुद का काम करें, मालिक बने और ठीक ठाक पैसे कमाएं, माशाल्लाह घर में खुशहाली आ जाएगी। तो आए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं, आपको बताते हैं दाल चावल आपने किस तरह बनाने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुकर में दाल डाल रहे हैं जी। आधा किलो दाल है, 1 अदद प्याज, 3 अदद टमाटर आप दो डाल लें, एक डाल लें, हम ज्यादा खाते हैं इसलिए। 5 अदद सब्ज मिर्चें, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक 1 चम्मच भर के, हल्दी भी 1 चम्मच डालनी है जी आपने, कुटी हुई जड़ा मिर्च 1 चम्मच डाल दें, 1/2 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर यानी कि लाल मिर्चें, धनिया पाउडर 1 चम्मच, एक और आधा 1.5 गिलास पानी का लगा के दाल को उबाल लेंगे। ठीक है, ये सारे मसाले मैंने डाल दिए, बहुत ही आसान सी रेसिपी है ये दाल चावल बनाने की। इंशाल्लाह आप याद करेंगे कि चीज बनाई है और बना के दिखाई है। दाल चावल का कारोबार बहुत ही अच्छा कारोबार है, इसको आप करके देखें, इंशाल्लाह लोगों की नौकरी करने से बेहतर है ये काम, बहुत बेहतर है। अगर ये आपका काम चल जाए तो आप दिनों में अमीर हो सकते हैं। दाल हमारी गल चुकी है जी, ये देखें अब इसको क्या करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। पहले हम चावल उबाल लेंगे, चावल उबालने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। चावलों का पानी गर्म होने के लिए रख दिया, इसमें 1 चम्मच नमक का डाल देंगे, 1 चम्मच ऑयल का डाल देंगे। 1 किलो चावल उबालने हैं, उसके लिए पानी रखा है, ये पानी मैंने 4 किलो रखा है। अभी चावल उबाल कर आपको दिखाते हैं। चावलों को उबाला आता है ना, तो उतने में हम अपनी दाल को ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखें, दाल को एक जग में डाल लें, ये तकरीबन 2 चम्मच डाल लें और 1 गिलास पानी का डाल लें, इसको ग्राइंड कर लें, थोड़ी थोड़ी करके आपने ग्राइंड कर लेनी है। दाल हमारी अच्छी तरह से ये देखें ग्राइंड हो चुकी है। इसमें आपने और कोई दाल नहीं डालनी, सिर्फ यही दाल डालनी है। मसरों की दाल हो या माश की दाल हो, ये अपने टाइम से पहले खराब हो जाती है। ठीक है, तो सिर्फ आपने चनों की दाल पे गुजारा करना है, चनों की दाल ही बनानी है। ये देखें ऐसे आपने, अब इसमें जो बाकी मसाले डालने हैं इसको बाकी किस तरह तैयार करना है ये भी मैं आपको अभी 2 मिनट में बता देता हूँ। कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 3-4 चम्मच डाल लें, बस ज्यादा नहीं डालना। चावलों वाले तो बिल्कुल कुछ भी नहीं डालते जी। अब थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लें, थोड़ा सा पकाएं इसको। दो दो किन्नौर की टिक्कियां डाल देंगे, साथ ही इसमें दाल डाल देंगे। थोड़ा सा पानी मैंने और डाला है, तकरीबन 1/2 किलो दाल में 1 किलो पानी आपने डालना है ग्राइंड करते वक्त। ठीक है, इस बात का आप ख्याल रखें तो फिर दाल इस तरह की बनेगी। 1 चम्मच गरम मसाले का और 1 चम्मच फुल भर के काली मिर्च का, ये आपने डाल देना। ठीक है, थोड़ा सा धनिया डाल दें, तो इसकी आप अच्छी तरह से पकाई करें। दाल हमारी तैयार हो रही है, इतनी देर में हम थोड़ा सा सलाद बना लेते हैं। प्याज काट लें ऐसे गोल गोल, आपने इस तरह नहीं काटना, हमारा तजर्बा काफी है इसलिए मैं काट लेता हूँ, आप ये कोशिश ना करें लेकिन छुरी लग जाएगी हाथ पे। ठीक है, तो बड़ी स्पीड से, ये देखिए स्पीड पसंद आई है, पता चल गया आपको कि आपका भाई जुल्फकार जो है वो तो प्रोफेशनल शेफ है। ये देखिए माशाल्लाह, ठीक है, जितनी स्पीड से कहेंगे काट देंगे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है। ठीक है, दाल तैयार हो चुकी है, अब चावल उबाल लेते हैं। चावल डाल दिए पानी में, जैसे चावल उबलते हैं तो मिलते हैं आपसे। ये ना हो कि चावल 1 कन्नी या 2 कन्नी रख लें, चावल मुकम्मल उबाल लें आपने। ठीक है, इस तरह मुकम्मल चावल उबले जाए तो फिर आप इनका पानी निकाल दें।
माशाल्लाह जी, दाल चावल हमारे तैयार हो चुके हैं। ये देखें, एक साइड से आप ऐसे करें, चावल डालें। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, मजा आ जाएगा आपको जब आप ये चावल खाएंगे, याद करेंगे। चावल डाल लें ऊपर, इस तरह दाल डाल लें। ये थोड़ी सी थिकनेस इसमें ज्यादा है, आप इसको नरम कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ढाबा स्टाइल दाल चावल की रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की है, बहुत ही मजेदार सी रेसिपी है। बताया आपको कि आपने अपना कारोबार आपने किस तरह करना है। ऊपर ये देखें, थोड़ा सा साइलेंट डाल दें। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही प्यारी सी रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। कारोबार करें, घर में बनाएं, बहुत ही मजेदार सी रेसिपी है। रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक करें। दुआओं में याद रखें, अपना अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।